अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, ईद मुबारक हो आप सब दोस्तों को। और हमारी जो ईद है ना, वो बड़ी क्लास और स्पेशल ईद गुजरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दो लोग इस तरह बैठे हुए हैं ना कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा है भाई खालिक भाई। तो हम लोग ईद में है ना, जो लालाजार होटल पर रुके हुए हैं, वो भी हम शुक्रगुजार हैं आप लोग के, बालाकोट के लियाकत कसाना डिप्टी मेयर, उनकी सर की वजह से हमारे लिए जो इन जगह उन लोग ने बुक की थी। हम लोग यहाँ पे आए, गाड़ी तो ख़राब थी, बहुत मुश्किल से बाबूसर टॉप से यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी बंद है यहाँ पे। एक है मोटर स्पेयर पार्ट जो भेजने वाला बंदा है, उसका नाम है नईम उस्ताद कहते हैं उसको। बस अल्लाह करे कि जो गाड़ी की जो वाटर बॉडी है, लैंड क्रूज़र जो इंजन है, उसके इसके पास हो जाए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से सारे जीप वाले हैं जो आपको टूरिस्ट के हिसाब से आपको लेके जाते हैं ऊपर, ये जीन सैफुल मुल्क जीन पे। अभी खैर, आज की भी दिन हम लोग की जो है ना, वो ईद यही पे मना रहे हैं, नारान पे। और इंशाल्लाह कल खैर से, इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से, इंशाल्लाह खैर से बस गाड़ी बना के हम लोग निकलेंगे मानसेरा। शायद मानसेरा रुके एक वन नाइट के लिए, फिर उसके बाद खैर से इस्लामाबाद। आज का जो ईद है हम लोग के पास है, वो गुजरी होता है बड़ा नॉन कॉन्फिडेंस, बड़ा स्लो ऐसी तरह। लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है कि रास्ते में नहीं मनाया, इधर आ गए हम लोग, पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्त भी बड़े भाई बैठे हुए हैं ऐसे, परेशान परेशान हैरान हैं। तो बात उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग की भी ईद बड़ी ज़बरदस्त जारी होगी, और अल्लाह आप लोग को सबको खुश रखे, सलामत रखे, इंजॉय करें। हम लोग भी यहाँ पर भी चलते हैं जगह पर, कुछ खा लेते हैं। तो चले कुछ खा लेते हैं फिर, हाँ चले फिर कुछ खा लेते हैं बाहर। इनके भी रेस्टोरेंट है, इनके भी तो पता नहीं, वो उसी के पास चलते जो कर रहा, वही जो कल गए थे, वो ज़बरदस्त बंदा है। चलते हैं फिर आगे, कुछ खा लेते हैं भाई। और क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें बताओ, अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पे हमारा जो मुलाकात हुआ है अवैस भाई से। अवैस भाई क्या हाल है, ठीक ठाक खुश है भाई। अवैस भाई जो है ना, है कौन से इलाके का, राजनपुर का, राजनपुर लगते, लेकिन लगते हैं लियारी के जो नहीं गैंग वॉर से जो भागे हुए हैं। और यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है अवैस भाई, कम्बर हाँ, खम्बर बिरयानी चाय। सर हम यहाँ पे हैं और इन्होंने हमारी सर कसम खुदा की बड़ी खिदमत की, अल्लाह इन्हें खुश रखे। ये तो हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पे नारान पे जो नॉर्थ वे जो साइड है, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे भी अच्छे लोग मिलने लगे हैं। वो हमारे अखलाक की वजह से शायद हो सकता है, पता नहीं। अभी यहाँ पे बैठे हैं सर, सुबह का जो पराठे ज़बरदस्त ज़बरदस्त मारे, वो भी घर वाली जो नहीं है, वो मासी जब पका के देती है ना, उसी तरह के पराठे थे, और ऑमलेट के साथ तीन किस्म किस्म के पराठे। तो भाई हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ईद का दूसरा दिन है, बिल्कुल ईद ईद ही नहीं लगता है यहाँ पे नाराम पे। बस गाड़ी बने खैर से, पुलाओ भाई पुलाओ, पुलाओ कहाँ है, पुलाओ भाई पराठा अंडा वो भी है, वो भी है। इंशाल्लाह खैर से जब गाड़ी बन जाए, सामान आ जाए, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे मानसेरा के लिए। मानसेरा के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे, फिर वहीं पे एक रात है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद भागना है भाई। इधर से जितना बंदे का वस चले भागो। लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो तो काफ़ी लेट अपलोड होगी, अगर ज़िंदगी रहा अगले साल अवैस भाई ने यहाँ पे रेस्टोरेंट लगाया है, तो आप लोग को कसम से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे विजिट करें। यहाँ पे चूरी वाला सिस्टम नहीं है, चूरी वाला सिस्टम नहीं, हक का भाई बंदा हक का अपना रेट लेता है, जो बाहर आप लोग को रेट मिलेगा वही रेट आपसे लेता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग अभी भी जो है कमर बिरयानी एंड चाय वाले अवैस भाई के पास हैं। यहाँ पे अवैस भाई हैं और दूसरे मास्टर भाई है। मास्टर भाई का नाम मैंने अभी तक नहीं पूछा है, जुहैब करीम, जुहैब करीम भाई है। और ये भाई ताल्लुक़ रखते हैं कौन से इलाके से, राजनपुर, राजनपुर। और आज ये हमें जो खाना खिलाने वाले हैं ना, कि ओए होए होए, कसम खुदा की क्या क्या पागल, ये जो सामने जो बंदा है ना चंदू भाई, ये चंदू जो भाई है ना, ये कस्टमर को किस तरह बताया, बिरयानी चाय आ जाओ आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ, इस तरह बुला रहा है ना बंदा ना, डर के भी ना आ जाए। और यहाँ आना हो वो भी नहीं आता, वो भी
हम लोग तो भाई सुबह से आवाजें लगा रहे हैं कि आलू ले लो, चावल ले लो, जो भी ले लो, कोई भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, वो स्लो स्लो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन जोर से जब चिल्लाए ना फिर अलग है। और आज जो है दूसरे दिन है ईद की, नारायण पे हम लोग खैर से यहाँ पे अब्बास अवेश भाई के पास हैं और चंदू भाई के पास हैं, और यहाँ पे जो है हमारे बड़े नाजुल नाजुल मास्टर साथ सर के पास हैं। जबरदस्त खाना पका रहे, ऐसे हमें चीज करवा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हम लोग एक हफ्ता और रहेंगे रुकेंगे। तो अभी टाइम यहाँ पे 6:06 बस इंतज़ार में, और गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के भी इंतज़ार में, ताकि जो मानसेवा से आ जाए ऐसे यहाँ पर चला जाए। और वैसे आप लोगों को ये बात बताता जाऊँ कि ये जो टूर हम लोग कर रहा है ज़िंदगी में, ऐसे लोगों से हमें मिलाएँ, हम खुश नसीब हैं। अवेश भाई है, चंदू भाई है और मास्टर जी हैं। ये हम वो कहते हैं अरबी में यार, जो बंदा बंदे से मिलता है वो शुक्रगुजार रहता है, उसको क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं मतलब वो अरबी में, तो भाई क्या बताओ, मतलब मशकूर है हम, मतलब नहीं वो दूसरा वो कहते हैं, जब एक जिंदगी आप बंदे से मिलते हो ना, मतलब टूर में ऐसे लोगों से मिलते हो बंदा खुश होता है ना, उसको क्या कहते हैं, दिल बाग बाग हो जाता, दिल बाग बाग हो जाता है कसम से। इस टूर में जो लोगों से हम लोग मिले, दिल बाग बाग। टूर तो बेकार है, खैर वो तो छोड़ें, उसको तो हिसाब ही ना करें। ये नॉर्थ वे तो बिल्कुल मैं सपोर्ट ही नहीं करता हूँ उसको ना आने के लिए, लेकिन दिल बाग बाग हुआ है इन जैसे लोगों से मिल के। खुदा कसम ये हमारे लिए बड़े यादगार, उनके साथ कनेक्शन इंशाल्लाह, क्योंकि अखलाक अखलाक जो है ना बड़ी चीज़ होती है। इन भाइयों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और उनके हम ज़िंदगी भर शुक्र गुजार रहेंगे। सही बताया ना उर्दू में, टैक्सी है, टीट टीट उर्दू में क्या कहते हैं, पिटे मुँह, पिटे मुँह, फिटे मुँह, फिटे मुँह, अच्छा फिटे मुँह, फिटे मुँह। तो खैर ना 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 हो, कंट्रोल कंट्रोल है ना, कंट्रोल भाई जज्बाती हो गए चंदू भाई, इसको जज्बाती नहीं करेंगे, मिला यहाँ पे फोकस करेंगे। आज का डिश क्या है सर? आज है जी बीफ कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। और दूसरा, दूसरी भी बीफ कढ़ाई, क्या दो नंबर याद हमारा। अच्छा पार्सल है ये जो है, पार्सल यहाँ यहीं पे सर्व होने वाला है। दाल चना, दाल चना लोगों को खिलाओ। यहाँ पे 10 रुपये आ गए चंदू भाई के जवाब से, और यहाँ पे क्या काम है, बैठे 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 लगाए लगाए भाई, बिस्मिल्लाह करें अवेश भाई, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह अवेश भाई, बिस्मिल्लाह नहीं हो, अवेश भाई बिस्मिल्लाह कर लें। बाजार में चले भाई, हम लोग जरा खाना खा लेते हैं, पेट पूजा बाद में जो है ना, वीडियो पूजा, हाँ काम पूजा। चले भाई मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जेब भाई के पास, जेब भाई के पास अभी तक बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह कल 12 बजे से ये पहले नहीं जाएंगे। अल्लाह माफ करे यार, इस तरह ना क्या करो यार, यार मुझे यकीन है यार, नहीं यार देखो अभी आप नाराज करोगे, अभी आखिर में आप हमें नाराज करोगे कसम खुदा की। ये ना किया करे, ये ना कहे, बोले अल्लाह खैर से आप लोग को लेके जाए, बस ये बोले खैर से जाए। अभी अल्लाह खैर से बंदा लेके आए, फिट हो जाए, सामान हमें जाना है, खैर से अल्लाह हमें मानसेरा पहुंचा दे। मानसेरा मानसेरा दोस्त का फार्म हाउस है, वहां पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ सुबह के टाइम नहीं, 4 घंटे का रास्ता है यार, 5 घंटा लगा लें आप, 5 घंटे का रास्ता है, रश लगा हुआ है, रश लगा हुआ है। सुबह हम यहाँ से निकले, यहाँ से जो लोग आए हुए वो सुबह निकलेंगे, रश पे हम लोग जरूर बहुत है। ये एक बंदा है जब जिसका गाड़ी का गैसकेट जला हुआ है, वो भी यही बता रहा था। हम बस दुआ कर रहे हैं कि हम लोग आज इंशाल्लाह खैर से गाड़ी का काम हो जाए, हम लोग निकले, ताकि हम लोग वहाँ पे पहुँचे तसल्ली से सो जाएं, फिर उठें। हाँ कारगर से मुतमईन है भाई, कारगर कारगर है, हाँ वो गाड़ी वैसे भी वो बनाएगी सब कुछ करे। यार 45 मिनट्स तो हम लोग चेक करेंगे गाड़ी का। हाँ ना बस अल्लाह करे खैर से, हम लोग इंशाल्लाह बस अभी इंतज़ार है, कह रहे हैं कि आधे घंटे में वो कारीगर जो है ना पहुंच जाएगी,
ताकि वो आ जाए, हम लोग वाटर बॉडी लगा लें खैर से, फिर इंशाल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह हमें अपने फजल करम से हिफ्ज़ अमान में हमें पहुंचा दे मानसेरा। मानसेरा जाएंगे वसीम भाई के पास, उनके पास जाने उनके हम रहेंगे एक दिन या मैक्सिमम टू डेज, फिर वहाँ से हम निकलेंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से फिर हमें जाना है क्वेटा, कश्मीर और चित्राल का साइड कैंसिल हो गया, फिलहाल कैंसिल है क्योंकि कुछ काम पड़े हुए। होटल का नाम बताया, होटल का नाम बताया, कमल बिरयानी चाय होटल। ना जी ना, यूसुफ बिरयानी चाय होटल, यूसुफ बिरयानी और चाय होटल, क्वेटा का मशहूर। वो भी नारायण में, क्वेटा का मशहूर नारायण में। नारायण में आज इस भाई ने चिल्लाया था किसने, देव ने, कल 12 बजे जाओगे ना किया ऐसे ना कहा था, मैंने कहा था सेम सेम है, कसम खुदा की सेम, दूसरा मेरे बराबर वाला था। आपके साथ कैमरा मैन चांद नवाब को दे दिए इजाजत भाई, यहाँ पे जो आएगा कहेगा वो पछताएगा नहीं, कहते एक दफा बार हो रहा हूँ। और यूसुफ भाई क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ एक बार कहोगे नहीं तो पछताओगे, एक बार आओगे बार बार पछताओगे, एक बार आओगे तो पछताओगे। वेलकम वेलकम बैक दोस्तों, रात के बज रहे हैं 2:45 और यहाँ पे हम दिल से शुक्र गुजार हैं ये सर जी के और ये इस सर जी के, वो हमारे प्रिंसिपल साहब जो है ना पीछे लगे हुए हैं। किधर है प्रिंसिपल साहब? किधर है? ये सॉरी प्रिंसिपल जुहैब भाई लगे हुए, शुक्र गुजार हैं हम आप लोग के, कसम खुदा के अपने हक बख्श देना सर, हम लोग को बहुत तकलीफ दिया हमने, कसम से हम लोग ने आप लोग को बहुत तकलीफ दिया। हम लोग अगर रात गुजार गए ना फिर इतनी इश्क हो जाएगी फिर आप लोग को छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा सर। कहते हैं मोहब्बत को इश्क में ना बदलो, मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने दो, वो मैंने असल में ड्रामे से सीखा है डायलॉग्स। अच्छा तो खैर जो भी है हम बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं आप लोग के। अभी खैर से हम लोग का जो सफ़र है रात के 2:45 बजने वाले हैं मानसेरा, मानसेरा 4 घंटा मतलब 5 आवर्स की लगेगी। तो खैर से मानसेरा पहुंच के फिर वहाँ पे घोड़े बेच के और गधे बेच के जितने भी जानवर सामने आएंगे सारे बेच के सोएंगे, सो जाएंगे और इंशाल्लाह हाल वाल में टच में रहेंगे हम आप लोग को। कसम खुदा की जितना भी शुक्रिया करें ना वो कम है, सच बता रहा हूँ, जितना भी शुक्रिया करें कम है सर। कमाल मोहब्बत है, कमाल मोहब्बत है, हम लोग का शहजादा पीर, ये हम लोग का पीर है भाई, जिसे भी दुआ मांगना जो भी है ना इस बंदे के पास आ गया, लेकिन वो कबूल नहीं होगा जो भी है। यहाँ पे जैब भाई बहुत शुक्रिया सर, आपका हम लोग शुक्रिया, जितना भी करें वो भी कम है कसम से। नारायण का असल जो खूबसूरती, नारायण का जो खूबसूरती आया ना वो आप लोग की वजह से, बाकी तो अल्लाह माफ़ करे, क्या करे अल्लाह माफ़ करे। तैयार है चूरी, जैसे बकरा ईद चला हुआ है ना वैसे बकरा ईद, ऐसे भी ऐसे लगता है बस तैयार है बकरे के लिए, अल्लाह माफ़ करे। हाँ जैसे जरदारी नवाज शरीफ के पैसे हमारे पास है जो हम लोग यहाँ पर लुटाने आए हुए हैं। खैर मिलते हैं आप सब दोस्तों से मानसेरा में, बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये नारायण से निकलने का रास्ता है, बहुत ट्रैफिक है कुछ ट्रैफिक में, आज जो है हमारी अभी जो है कल एक्चुअली निकलने वाले पहले से निकल नहीं पाए, किस लिए? हाँ हम लोग ने जो वाटर बॉडी मंगवाई थी उनके जो कुछ पुली थे ना पुली के स्टड जो थे उसके वो अवेलेबल नहीं थे, उसी वजह से हम लोग रह गए और सुबह फिर वही खरीद भाई खालिद भाई वो शुरू हो गए बना के, फिर अभी हम लोग निकले हुए, अभी बजे 1:09 तो ये ठीक है। अच्छा होटल चेक करना है, यहाँ आगे बच्चे को जो है ट्रैफिक ख़त्म हो गई जो जाने की तरफ है, फिर भी लोग आ रहे हैं।
लोग आ रहे हैं। आज तीसरे दिन है ना आज तीसरा दिन है ईद का। और हम लोग इरादा तो हम लोग को फंस देगा ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस अल्लाह की तरफ से गाड़ी ख़राब हुआ। जो भी हुआ खैर के लिए हुआ, हमारी बेहतरी के लिए हुआ। तो अभी इंशाल्लाह आगे का रास्ता मंसेरा है, वहाँ लोग वैसे मिलेंगे वहाँ से खैर से आगे का सफ़र जब करते हैं या सिचुएशन हालात होंगे। फ़िलहाल आप लोग नज़ारे भाई अभी भी लगे हुए हैं, रश में जा रहे हैं। जाने वाले लोग हैं कम हैं खैर, लेकिन आने वाले माशाल्लाह बहुत। आप लोग देख सकते हैं कि जाने वाले जो लोग हैं वो कम हैं, आने वाले। कल नहीं परसों जो कोके कहते हैं ना, कोके वो चादर वाले जो रूम थे, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? चादर वाले रूम। हाँ वो जो उसको कोके उसे कोके आप लोग कोका टाइप जो रूम्स हैं वो चादर के बने हुए, वो कितने 700 रुपये 800 1000 तक। कल 7000 5000 ये तो नाजायज़ है। चलो मैं कह लेता हूँ रश हो जाए ना बंदा, उसे 2500 रुपये कर ले सही है, जिस तरह वो डिज़र्व करता है। नहीं गर्म पानी ना कुछ है, बाथरूम उसके दो बाथरूम में मतलब टोटल तकरीबन मेरे ख्याल से 12 से 13 रूम्स हैं। वो सारे लोग जो है ना फैमिली मजबूरी से लोग आते हैं, जिनके जितना मतलब बजट है उसी बजट के हिसाब से आते हैं। लेकिन ये लोग भी नाजायज़ बहुत करते हैं भाई, नहरान में ये चीज़ में बहुत नाजायज़ करते हैं। अभी हम जो शहजादा अवैस भाई के साथ हम लोग रुके थे, जुहैब भाई थे, चांद भी चंदू भी थे, उसको चंदू कह रहे थे, उसका नाम मैंने नहीं पूछा। खैर इन भाई के साथ थे, कसम खुदा कि मैं इनके साथ हम लोग रहे एक दिन पूरा, एक रात भी हम लोग ने इसके साथ स्टे किया। आप यकीन करें, ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग उसके साथ रहे, उन लोग ने हमारी बड़ी खिदमत की, उसके बावजूद एक अलहदा चीज़ है उनका जो प्राइस था वो नॉर्मल जो आपको बाहर मिला। अगर बाहर जो है ना दूध पत्ती चाय 70 रुपये की है, 60 रुपये की, वो 100 रुपये की उनका हक है, ठीक है 40 रुपये उनका एक्स्ट्रा उनका हक है। और रेट भी उनका बड़ा ज़बरदस्त है, जो लोग उनके पास आ रहे थे ना आगे जा रहे थे, उसके बाद वापस उनके पास आ रहे थे। इस तरह बंदा कमाए भी, कमाना भी एक बिज़नेस भी एक चीज़ होती है, जो एक तरीके से बंदा कमाए दूसरे को मतलब फ़ायदा नहीं उठाए। क्योंकि कुछ लोग बहुत से बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो बाइक्स में आए, उनके इतना बजट भी नहीं होगा, वो अपने बजट के हिसाब से बेचारे जा के देख रहे थे, अपने बजट के हिसाब से वो ढूंढ रहे थे ताकि जितना वो अफोर्ड कर सकते। आगे 250 रुपये की एक कप चाय, ये तो यार ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। हम लोग होटल में रहे थे, दोस्त ने हमें रवान भाई ने करवाया था हमारे लिए वो होटल, तो खैर हम वहाँ पे रहे थे। वो पता नहीं उसने एक रात उसने बुकिंग की, दूसरी रात मैंने बुकिंग की 4500, तो उसने 4500 मुझे पहले से बता दिया मैनेजर ने। तब उसने अपने जो काम करने वाला रिसेप्शन उसने मुझे 4500 बताया। जब उससे अपने मैनेजर को फ़ोन लगाया उसने बोला तूने कम क्यों बताया, कल का रेट अलग है आज का रेट अलग है। तो आपको पता है जब हम लोग उससे चेकआउट किया, मैं गया जब जाके मैंने पूछा 12000 रुपये की, ना नेट था, वाईफाई भी प्रॉपर नहीं थी उसमें, नाम नहीं लूँगा खैर अभी जाने दें, वाईफाई भी नहीं थी और क्या कहते हैं गर्म पानी भी नहीं थी बस। खैर बिजली तो वैसे भी जा रही थी पूरा नारायण का, बिजली तो नारायण का ही जा रहा था, उसमें तो वो नहीं था। खैर मतलब काफ़ी मतलब वो है ना वो क्या कहते हैं मतलब लोगों का फ़ायदा उठाना मैं इसी तरफ से। तो मैंने जब नारायण बिल्कुल जगह ही नहीं है रहने की, मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई आपको रियल अगर 1 to 10 आप बताएं मैं उसे 2 दे देता हूँ। वो भी ये कुछ लोगों की वजह से जो उनके साथ आप मिलते हैं जुलते हैं ना, आप लोग को पता चल जाता है। जो बाहर के लोग आते हैं मोस्टली बाहर के, लेकिन कुछ लोग जो बाहर के होते हैं उनकी वजह से मैं रेट 2 दे देता हूँ। गिलगित भाई मैं 10 out of 10 दे देता हूँ, गिलगित को हंजा को 10 out of 10, हैदराबाद की तरफ हम लोग गए वहाँ पर गफूर भाई है वो इलाके को भी मैं 10 out of 10 दे देता हूँ भाई। मेहमान नवाज थे मतलब वो कहते हैं ना लिहाज रखना कि भाई मेहमान है आए हुए टूरिस्ट है मेहमान है भाई 10 out of 10 मस्तूर 10 out of 10
ड्रामा 10 out of 10, लेकिन ये नारान बिल्कुल गया गुजरा। तो खैर से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं अहमदाबाद। अभी तकरीबन 6.9 किलोमीटर 15 मिनट बचे हुए हैं, वसीम भाई के घर पहुंचे। वो वसीम भाई जो है ना हमारे साथ ही वहीं पे अबू धाबी पे रहते हैं वो। तो खैर से अभी निकले हैं और यहाँ के ड्राइविंग माशाल्लाह, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ना ये साइड मिरर ये ऐसे दिए हैं, ये ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में, ना नो नीड। मुझे ऐसा फील होता है ना कि भाई मुझे सही, मेरे ऊपर शुरू होंगे लोग कमेंट्स में कि बहुत बुराइयाँ कर रहे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग पे यहाँ पे कोई साइड शीशे देखते नहीं है। कानून मानून भाई कैसा है, अभी इस बाइक को क्रॉस करो ये साइड शीशे देखते नहीं, उल्टा तेरे ऊपर टर्न मारता है, जिंदाबाद। खैर बड़ी खूबसूरत और प्यारी शहर है, ग्रीन ही ग्रीन है माशाल्लाह, हर जगह ग्रीन ग्रीन है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अभी मौजूद हैं, हम लोग कौन से इलाके में वसीम भाई? एबटाबाद में। किधर यार? बस एबटाबाद, आगे नहीं बोलना चाहिए का। ये भाई तायर भाई का जीप चेक करना है आप लोग, वो पीछे का लाइट लगा ना, ये जीप नहीं पजेरो, सॉरी पजेरो। ये यार ये सबसे बेस्ट चीज़ नहीं है जो लाइटें आपने लगाई ना, ये कोच वालों का आंखें जलाना है इससे, ये अच्छी काम किया आपने कसम से। ओए माशाल्लाह बहुत जल जाएगी, ओए माशाल्लाह। ये वो नहीं है माजिद, वो लड़का नहीं है दोस्त हमारा, हम लोग का मंसूरी, उसी के जैसा पजेरो है। ये चेक कर ले माशाल्लाह, ये आप लोग देख सकते हैं पजेरो माशाल्लाह, इसने फुल ऑफ रोडिंग। ओए मेथड वाले रिंग आपने दुबई से लेवाए लाए ना? ये मेथड खलील है, ये रिंग का मैं कह रहा हूँ, ये रिंग में तो आना गाड़ी जो इस तरह ना बंद, जब इस तरह के दुबई में लगाओ एग्जॉस्ट, खुदा कसम गाड़ी बंद हो जाती है। ये बंदा अपना दिल ना, बंदा दिल का जो बड़ा से ना पाकिस्तान में बंदा निकलता है। ये धर्म में भी नहीं है, ये पीआर में भी नहीं है। क्या चीज? ये डॉलर में है, ये चाइना से आया हुआ है भाई, स्पेशली इंपोर्ट हुआ है। ये वसीम भाई के ये क्या नाम है? पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है, ये नहीं कहना पाकिस्तानी लोग, आप लोग कहते हैं पाकिस्तानी स्टाइल, नहीं ये अरबी स्टाइल है। ये माशाल्लाह ये तायर भाई ने अंदर से बनाया हुआ है माशाल्लाह जबरदस्त, ये लोग आप देख सकते हैं यार। ये जख्मी वो ये जो माजिद के पास है, ये डोर जो है फेंडर सब सर वहां से शारजा से दुबई से इंपोर्ट किए सब टोटली। यार असल चीज पता है वो आगे जो दो वो लगाया है ना, वो क्या कहते हैं इसको? कह रहे थे ना कि क्या कहते हैं इसको, जो हॉर्न्स आर्म्स नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, सींग 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 लगाए। ये सारे वसीम भाई का वो है आइडिया है। ये भाई ये जहाँ से आप टूर मार के आए हो ना, इससे भी आगे से आए हुए हैं, ये स्कर्दू से आए, स्कर्दू से आए, स्कर्दू से आए हैं। और महमूद चैनल मिले ना, वो आ वो पहुंचन की का है ना, जरा सा देंगे।